हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेटेड भारत। आज हम देखने वाले हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड टॉप एमसीक्यूज। देखिए, कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड में चर्चा का विषय बना हुआ है और इसके संपूर्ण ज्ञान से ही हम इससे बचाव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर कर दीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है नोबेल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहां हुई थी? तो इसका सही आंसर है सी, वुहान शहर चाइना में नोबेल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान की गई थी। देखिए, कोरोना वायरस को समझने से पहले हम वायरस क्या होता है ये जान लेते हैं। अगर हम ये पता कर लेंगे कि वायरस क्या है तो कोरोना वायरस को समझने में आसानी हो जाएगी। तो वायरस आकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित सेल में ही वंश वृद्धि करते हैं। मतलब अगर ये शरीर के बाहर स्थित हैं तो ये मृत होते हैं या डेड रूप में प्रेजेंट होते हैं, जबकि ये शरीर के अंदर प्रवेश करते ही जीवित हो जाते हैं और वहीं पर डेवलपमेंट और ग्रोथ करते हैं। यही क्या कहलाते हैं? वायरस कहलाते हैं। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की, नोवेल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान, तो ये कहां हुई है? वुहान शहर में। चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ कोरोना वायरस का संक्रमण अब तक दुनिया के ज्यादातर देशों तक पहुंच चुका है। भारत भी कोरोना प्रभावित इन देशों में से एक है। भारत में यह संक्रमण पहली बार केरल में सामने आया। देखिए, अगर वर्ल्ड में पूछा जा रहा है तो कहां? वुहान शहर चाइना में यह सबसे पहले आया है, जबकि अगर आपसे इंडिया में पूछा जाए तो केरल में इसका संक्रमण का मामला सबसे पहले सामने आया था। नेक्स्ट, कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो इसका सही आंसर है सी, लेटिन भाषा का शब्द है कोरोना वायरस और यहीं से ये उत्पन्न हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कोरोना वायरस किस भाषा से उत्पन्न हुआ है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लेटिन भाषा से। नेक्स्ट, कोरोना वायरस क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। मतलब यह वायरस का एक बड़ा परिवार है और यह निडो वायरस के परिवार से संबंधित है। देखिए, कोरोना वायरस वायरस का एक बहुत बड़ा परिवार है और ये निडो वायरस या निडो वायरसल्स ऑर्डर से संबंधित है। देखिए, अगर इसकी फैमिली आपसे पूछी जाए तो इसकी फैमिली कौन सी, या इसका परिवार पूछा जाए तो कौन सा है? वो है निडो वायरस। और अगर इसका ऑर्डर या इसका कुल पूछा जाए तो वो है निडो वायरसल्स। ये दोनों ही पूछे जा सकते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही याद रखना है। नेक्स्ट, कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति से कम कितने दिनों बाद लक्षण दिखने लगते हैं? तो इसका सही आंसर है बी, 14 दिन के बाद। जो कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति है उसमें पूरी तरीके से लक्षण 14 दिन के अंदर दिखाई देने लगते हैं। छोटे छोटे, मतलब सर्दी खांसी जुकाम से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे ये बढ़ते जाता है, तो ये 14 दिन के अंदर इसके लक्षण हमको क्लियरली दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट, WHO ने इस बीमारी के लिए एक आधिकारिक नाम की घोषणा की है, इस बीमारी का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, COVID-19। देखिए, COVID-19 इसे नाम दिया गया है, WHO ने ये नाम दिया है। WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसने दिया है इस बीमारी को नाम, मतलब कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का नाम पूछा जाए तो क्या होगा? COVID-19। को का मतलब है कोरोना वायरस, कोरोना, और VI का मतलब है वायरस और D का मतलब है डिजीज। तो कोरोना वायरस डिजीज और इसे 19 दिया गया है क्योंकि ये 2019 में सबसे पहले सामने आया है, इसलिए यहां पे 19 दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? COVID-19। नेक्स्ट, WHO द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया है? देखिए, वो जो नाम है वो कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का नाम है और ये नाम किसका है? कोरोना वायरस का है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2019 NCOV। NCOV का क्या मतलब है? NCOV का मतलब है नोवेल कोरोना वायरस। ये नाम दिया गया है कोरोना वायरस को और इससे होने वाली बीमारी को नाम दिया गया है COVID-19, जिससे ऊपर हमने अभी पढ़ा है। नेक्स्ट, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर इस वायरस की संरचना किसके समान दिखाई पड़ती है? तो इसका सही आंसर है सी, क्राउन या मुकुट के समान इस वायरस की संरचना है। अगर इसे माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो इसकी संरचना किसकी जैसी दिखती है? क्राउन या मुकुट के जैसी दिखती है और इसी रीजन के कारण इसका नाम कोरोना रखा गया है, क्योंकि कोरोना का भी मतलब होता है क्राउन या मुकुट और यही रीजन है कि इसका नाम कोरोना रखा गया है। नेक्स्ट,
कोरोना वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, मतलब मर्स और सर्स, ये दोनों ही बीमारी से रिलेटेड है कोरोना वायरस। देखिए मर्स का फुल फॉर्म होता है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और सार्स का मतलब है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये दोनों ही रेस्पिरेटरी सिस्टम या हमारे श्वसन तंत्र से रिलेटेड बहुत गंभीर बीमारी है और ये जो बीमारियां हैं ये 2002 में चीन में पहले भी तबाही मचा चुकी है। इस तबाही में 8000 लोगों की जान गई थी चीन में और ये संबंधित किससे है? ये कोरोना वायरस से ही संबंधित बीमारी है। तो मर्स सर्स जैसी गंभीर बीमारी से लेकर सामान्य सर्दी इत्यादि कोरोना वायरस से ही हो सकती है। नेक्स्ट, नोवेल कोरोना वायरस के कुछ हल्के लक्षण क्या हो सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, मतलब बुखार आना, खांसी होना, सांस की तकलीफ होना, ये सभी सामान्य लक्षण है कोरोना वायरस से होने वाली डिजीज के। नेक्स्ट, कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा खतरा किस देश को है? तो इसका सही आंसर है बी, थाईलैंड को कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा खतरा है। देखिए एक साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी है उसके अध्ययन के मुताबिक कि सबसे ज़्यादा अगर कोरोना वायरस का खतरा किसी कंट्री को है तो वो है थाईलैंड को। थाईलैंड को सबसे ज़्यादा खतरा इसका बना हुआ है। अब यहाँ पे बात हुई है थाईलैंड की तो थाईलैंड के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि थाईलैंड का कैपिटल क्या है। तो थाईलैंड का कैपिटल है बैंकॉक और यहाँ चलने वाली जो करेंसी है वो है थाई बहत। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट, कोरोना वायरस से बचने के लिए कौन सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ए, छींक आने पर अपनी नाक और मुंह को ढक कर रख के हम इससे बचाव कर सकते हैं, कोरोना वायरस से बचाव कर सकते हैं। नेक्स्ट, किस संगठन के द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण ग्लोबल एमरजेंसी लागू की गई? तो इसका सही आंसर है बी, WHO के द्वारा, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण ग्लोबल एमरजेंसी लागू की गई। अब किसने की है? WHO ने की है। तो WHO के बारे में जान लेते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की थी 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, यह भी आपको याद रखना है, कई बार पूछा जाता है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके जो अध्यक्ष हैं, करंट अध्यक्ष हैं, वो हैं टेड्रोस अदानो। नेक्स्ट, WHO ने कोरोना वायरस को कब अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया? तो इसका सही आंसर है बी, 30 जनवरी 2020 को WHO ने कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया। नेक्स्ट, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए WHO ने कितनी राशि दान दी है? तो इसका सही आंसर है बी, $675 मिलियन WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डोनेशन के रूप में दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कोरोना वायरस के लिए WHO ने $675 मिलियन दान में दिए हैं। नेक्स्ट, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ADB ने कितनी राशि दान दी है? तो इसका सही आंसर है डी, $2 million, मतलब $2 million ADB ने दान किए हैं। अब ADB क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ADB का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक और इसने $2 million दिए हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। इसकी स्थापना कब की गई है? तो ADB की स्थापना 19 दिसंबर 1966 में की गई है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला फिलीपींस में स्थित है और इसके करेंट अध्यक्ष हैं सगु अस्कावा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने म्यांमार, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया देशों में डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मणिपुर। हाल ही में मणिपुर राज्य सरकार ने म्यांमार, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया देशों से डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसके चलते? कोरोना वायरस के चलते, क्योंकि कोरोना वायरस इतना अधिक फैल रहा है तो कुछ ना कुछ तो करना ही था, तो डिब्बाबंद जो खाद्य पदार्थ हैं उन पर बैन लगा दिया गया ताकि किसी भी तरीके से ये वायरस इंडिया में ना आ पाए। चलिए नेक्स्ट, कोरोना वायरस से खतरे में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर होगा ए, 23। कोरोना वायरस से खतरे में भारत का 23 स्थान है। देखिए साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के अध्ययन के मुताबिक, जो वहाँ के शोधकर्ता हैं उन्होंने अध्ययन किया है, तो 30 ऐसे देशों की पहचान की है जहाँ इस जानलेवा वायरस का खतरा सबसे ज़्यादा है और सबसे पहला नंबर इसमें दिया गया है थाईलैंड को, दूसरा नंबर इसमें दिया गया है जापान को और तीसरा नंबर इसमें दिया गया है हांगकांग को, जबकि इंडिया का नंबर इसमें 23 है। तो ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट, कोरोना वायरस के चार प्रकार कौन से हैं? देखिए, कोरोना वायरस को वैसे तो दो प्रकार में, अल्फा और बीटा में डिवाइड किया गया है, लेकिन इनके भी कुछ टाइप हैं। तो ये जो चारों टाइप है, मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, मतलब NL9E अल्फा कोरोना वायरस, 22NE अल्फा कोरोना वायरस, OC43 बीटा कोरोना वायरस और HKUI बीटा कोरोना वायरस, ये सभी कोरोना वायरस के ही प्रकार हैं। नेक्स्ट, कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस देश में टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा बी, भारत। देखिए, भारत में जब से कोरोना वायरस का मरीज मिला है, तब से कुछ ना कुछ ऐसा किया जा रहा है कि इससे हम लड़ सके, कोरोना वायरस अधिकतर हमारे भारत में ना फैले, तो इसके लिए एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। इस टास्क फोर्स में इस बीमारी को रोकने, मतलब इस वायरस को आने से रोकने की पूरी तैयारी की गई है। और इसमें कौन कौन शामिल है? तो उसमें हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, हमारे गृह राज्य मंत्री जे किशन रेड्डी, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर और सिविल एविएशन के मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी इस टास्क फोर्स में शामिल हैं। दोस्तों, यहां पे हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास तक जा सके। कोरोना वायरस अभी बहुत गंभीर मुद्दा है हमारे देश का और पूरे वर्ल्ड का, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। दोस्तों, डॉक्टर का कहना है कि अगर खांसी, सर्दी, जुकाम हो तो तुरंत हॉस्पिटल में जाएं और ब्लड टेस्ट करवाएं, ताकि पता चले कोरोना वायरस का संक्रमण है या नहीं। इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन सपोर्टिव थेरेपी है इसकी, तो आपको याद रखना है कि इसकी सपोर्टिव थेरेपी आपको मिल जाएगी। तो अगर ऐसे कोई भी लक्षण दिखाई दें, तो सबसे पहले हॉस्पिटल जाना है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।